नमस्कार, फंडू मनी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वो कौन सी पांच चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखनी है इस साल ITR-1 फॉर्म भरने में। ITR-1 फॉर्म हम इनकम टैक्स या आयकर में जो आप रिटर्न्स फाइल करते हैं उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो अगर ITR फॉर्म भरने वाले हैं ITR-1 फॉर्म तो उसमें वो कौन सी पांच नई चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको ख्याल रखना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बस थोड़ी देर। वेलकम बैक, वेलकम टू फंडू मनी, ये 24/7 रेडी फॉर ऑल योर मनी मैटर्स। आपका फंडू मनी में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ITR फॉर्म भरने के बारे में। इस साल July 31 फिर से आने वाला है और आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं। अगर ITR-1 फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो कौन सी पांच चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखनी है। सबसे पहला, आपको 40,000 रुपये तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलने वाला है उसके बारे में आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा 50,000 रुपये तक की छूट है सीनियर सिटीजन्स को इंटरेस्ट इनकम में, जो कि फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स से मिलता है, तो वहाँ उस छूट का ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं किसी इनकम में, किसी आय में, तो आपको उसके बारे में आपका डिटेल देना पड़ेगा। कौन कौन सी क्लॉज इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है जिसके तहत आप ये छूट क्लेम कर रहे हैं, तो ये आपको ज़रूरी है कि ये ख्याल रखें। इसके अलावा अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुई है उसमें आप निवेश करवा लीजिए, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स में, किसी स्टार्टअप या किसी और उसमें आपने पैसे लगाए हैं, तो आप ITR-1 फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और आप किसी अगर कंपनी के डायरेक्टर हैं तो भी आप ये नहीं कर पाएंगे। आखिरी जो बात आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि से उत्पन्न जो आय है वो अगर 5,000 रुपये या उससे कम है तो तभी आप ITR-1 फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप ITR-2 फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये पांच चीज़ें थी जो आपको ख्याल रखनी है। हम उम्मीद है आपको ये वीडियो ITR-1 इनकम टैक्स फाइलिंग फॉर्म के बारे में उपयोगी लगा होगा। अगर कुछ और सुझाव है ज़रूर दे सकते हैं, आपके अगर कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं। और इसके अलावा हमारे और वीडियोस को ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए हमसे सोशल मीडिया नेटवर्क्स में। अगली बार के लिए हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।